नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, अभी अभी बिहार के बेतिया में बड़ा रेल हादसा हुआ है। ट्रेन अचानक दो हिस्सों में बटी, बड़ी रेल दुर्घटना। इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए हैं और ये दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई है? आखिर इतनी बड़ी रेल दुर्घटना कहां पर हुई है और कैसे हुई है? क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस बड़ी रेल दुर्घटना की बात करूं तो ये दुर्घटना नरकटियागंज से गोरखपुर जा रही ट्रेन के साथ हुआ है। कपलिंग पिन टूटकर गिरने से ट्रेन अचानक दो हिस्सों में बट जाती है। मिली जानकारी के अनुसार मालगाड़ी का पिपरा ढाला गेट नंबर 45C के पास अचानक कपलिंग पिन टूटकर गिर गई और ट्रेन दो हिस्सों में बट गई। दो भागों में बटे देख ग्रामीण लोग घबरा गए और काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ लग गई। हालांकि ट्रेन की स्पीड धीमी होने के कारण किसी तरह से घटना नहीं हो सकी और वहीं पर रेल प्रशासन को जब इस घटना के बारे में जानकारी दी गई तो नरकटियागंज से पहुंची टीम ने मालगाड़ी को जोड़कर घंटों की मशक्कत के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया और यह घटना मंगलवार का बताया जा रहा है। आपको बता दें, आरपीएफ और रेलवे में हड़कंप का माहौल बन जाता है। आरपीएफ दरोगा इंद्रजीत सिंह ने बताया कि पिन निकल गई थी और ट्रेन दो हिस्सों में अचानक से अलग अलग हो गए थे, जिसके बाद ये ट्रेन हादसा हो जाता है। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे के दौरान किसी भी यात्रियों की जान नहीं जाती है, यहाँ तक कि अगल बगल के लोग भी सुरक्षित पाए जाते हैं। उसके बाद पिन को जोड़ने के बाद रेल का परिचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार इस प्रकार की रेल दुर्घटनाएँ क्यों हो रही है? आखिर किसकी लापरवाही से इस प्रकार की रेल दुर्घटना होती रहती है? तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि बेतिया में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो जाता है। बाकी इस दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।